मित्रों, इस सेठ ने अन्य सत्य खोल रखा था। उनमें दान देने की भावना तो कम थी, लेकिन समाज में उन्हें दानवीर समझा जाए और उनकी प्रशंसा हो, ये भावना उनके अंदर बहुत अधिक थी। उनके प्रशंसक भी कम नहीं थे। थोक का व्यापार था उनका, तो वर्ष के अंत में अन्न के कोठरों में जो सड़ा गला अन्न बिकने से बच जाता था वो दान के लिए भेज देते थे। मित्रों, प्रायः सड़ी हुई ज्वार की रोटी सेठ के अन्न सत में भूखों को प्राप्त होती थी। अब सेठ के पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधु घर आई। वो बड़ी ही सुशील, धर्मज्ञ और विचारशील की थी। सेठ के नौकरों ने बहू को बताया कि उनके ससुर द्वारा खोला गया अन्न सत में सड़ी ज्वार की रोटी दी जाती है, तो बहू को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। उसने भोजन बनाने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और पहले ही दिन उसने अन्य सत्य से सड़ी ज्वार का आटा मंगवाया और एक रोटी बनाई। और सेठ जी जब भोजन करने बैठे तो उनकी थाली में भोजन के साथ वो रोटी भी परोस दी। मित्रों, काली मोटी रोटी को देखकर कोतूहल व सेठ ने पहला ग्रास उसी रोटी का मुख में डाला और ग्रास मुँह में डालते ही थू थू करने लगा और थूकते हुए बोला, बेटी घर में आटा तो बहुत है, ये तूने रोटी बनाने के लिए सड़ी ज्वार का आटा कहाँ से मंगवाया? पुत्र वधु बोली, पिताजी ये आटा मैंने परलोक से मंगवाया है। ससुर जी बोले, बेटी मैं कुछ समझा नहीं। बहू ने कहा कि जो दान पुण्य हम पिछले जन्म में किए हैं उसी कमाई अभी हम खा रहे हैं, जो हम इस देंगे वो हमें परलोक में मिलेगा। हमारे अन्य सत्य में इसी आटे की रोटी गरीबों को दी जाती है, परलोक में केवल इसी आटे की रोटी पर हमें रहना है, इसलिए मैंने सोचा कि अभी से हमें इसे खाने का अभ्यास किया जाए तो कष्ट हमारे कम होंगे। मित्रों, अब सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने पुत्र वधु से क्षमा मांगी और अन्य सत्य में सड़ा हुआ आटा उसी दिन फेंकवा दिया। मित्रों, तब से अन्य सत्य में गरीबों और भूखों को अच्छे आटे की रोटी मिलने लगी। मित्रों, कहने का मतलब यह है कि आप दान तो करो, लेकिन दान ऐसा करो जिससे कि दूसरों का मंगल ही मंगल हो। जितना आप मंगल की भावना से दान करते हो उतना दान देने वाले का भला होता है और साथ में आपका भी इत और परलोक सुधर जाता है। दान करते समय ये भावना नहीं होनी चाहिए कि लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, वाहवाही करेंगे। दान इतना गुप्त हो कि देते समय आपके दूसरे हाथ को भी पता ना चले।